आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लोगों को 10% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एडमिशन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन को वैध करार दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे के 10% आरक्षण को कोर्ट वैध करार कर चुकी है। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला दिया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह स्वीकार किया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सही है और यह संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS कोटे को लेकर अपनी असहमति जताई। 103वें संविधान संशोधन की वैधता को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उनकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जजों ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने शुरुआत में ही कहा कि EWS कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 अलग अलग फैसले हैं। आइए जानते हैं किस जज ने क्या कहा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने EWS आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण को सही करार दिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि मेरा फैसला जस्टिस माहेश्वरी की राय से सहमत है। उन्होंने कहा कि EWS कोटा वैध और संवैधानिक है। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र ने EWS कोटे को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया। इस तरह सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10% EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-1 से मुहर लगा दी है। संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद से मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए EWS आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है EWS कोटा। EWS की फुल फॉर्म आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। सरकार ने सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया था। इससे पहले आरक्षण यानी रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा यानी OBC वर्ग के लोगों को ही मिलता था। संविधान के अनुसार देश में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी 49.5% आरक्षण है। इसमें अनुसूचित जनजातियों को 7.5%, अनुसूचित जातियों को 15% और OBC को 27% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाता है और विरोध करने वालों ने सामान्य वर्ग के इसी 10% आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया था। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन गरीब सामान्य वर्ग को आगे बढ़ने का मौका देगा जो उसके हकदार होने के बावजूद भी कहीं पीछे रह जाते थे।